नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल MK साइंस स्टडी में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर। अंतर है संघ एनिलेडा और ऑर्थोपोडा में अंतर बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है जो कि कक्षा 9वीं और 11वीं में आता है। पहले बॉक्स में लिखना है आपको एनिलेडा और दूसरे में ऑर्थोपोडा। अब पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है इनके शरीर में वास्तविक कैविटी होती है, और इसमें देखते हैं सीलोमिक गुहा होती है, मतलब जो आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें सीलोमिक गुहा होती है और इनमें वास्तविक कैविटी होती है शरीर में। और दूसरा देखते हैं गति के लिए पार्श्व अपेंडिजिज होते हैं, मतलब इसमें गति करने के लिए, चलने के लिए पार्श्व अपेंडिजिज होते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में देखते हैं इनके जुड़े हुए पैर होते हैं, मतलब इनको गति करने के लिए पैर होते हैं जो गति के लिए होते हैं, मतलब यही है कि इनमें पैर होते हैं गति करने के लिए आर्थ्रोपोडा वाले जीवों में। ये थे इसमें अंतर जो कि हमने बता दिए। यदि आपकी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।